हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारा नया वीडियो में। कैसे हो आप लोग? अभी मैं फिलहाल यादगिरिगुट्टा में, यादगिरिगुट्टा मंदिर में आया दर्शन के लिए। अभी यादगिरिगुट्टा बस स्टैंड में बैठा हुआ हूँ, अभी मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। आगे जो है ऊपर चढ़ने के लिए वो बस ठहरा हुआ है, लेकिन बस में अभी पब्लिक नहीं चल रहा, इसलिए बैठा हुआ इधर। थोड़ी देर में शायद जाएगा तो हम भी जाएंगे। सामने मंदिर है, मंदिर थोड़ी दूर जाएंगे तो दिखाई देगा, अभी ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। चलो मंदिर का ऊपर जाके देखते उधर का नज़ारा कैसे रहता है। वही सोचा था बस में जाएंगे, लेकिन बहुत दिन हो गए सिटी नहीं देखा, इसलिए थोड़ा सा सर पैदल जाके इधर घूम के देखते हैं। अभी कैसा रहा, अपने 3 साल पहले इधर रहता था, जॉब कैसा रहा। बस में गए तो ऐसे भटकते चले जाएंगे, लेकिन पैदल रहे तो पूरा देख सकते हैं। अभी इधर देखो मंदिर का ही अलग से दिखाई दे रहा है। चलो मंदिर की तरफ पैदल ही चले और पैदल ही ऊपर चढ़ेंगे। इस तरफ बोलो पाताकोटा जा सकते। पहले मंदिर 1-1.5 साल पहले उधर था, सही से जाना पड़ता था। अभी इधर बाद में फिट किया, अभी कितना साल पहले किया उतना बोले के मालूम। जैसे कि उस तरफ किया था, उधर से ऊपर चढ़ने का फीलिंग नहीं है, फिर वापस आना पड़ रहा है, फिर ऐसा घूम के जाना पड़ेगा। तो अभी इधर से ऐसा मालूम हो रहा था उधर फीलिंग है शायद, कभी नहीं गया था, अच्छा रहता था खाली पीली इतना घूमना। ऐसे तो भी अच्छा नहीं है घर, इसलिए क्या बोल, मेरे को कुछ समझ में नहीं है। इधर आया था बाजू में बोनगिरी, उधर आया था बोल के इधर जैसे एक बार मैं घूम के जाऊँगी, फिर कब आऊँ मिल गया। पहले इधर तक पैदल चले आया था, तब इधर आके पता चला इधर सीढ़ी नहीं है चढ़ने का, फिर ऊपर से ऐसा घूम के फिर ऊपर आया। इस तरफ सीढ़ी तो मिल गया, अभी जाते हैं ये बार मुझे तो ऊपर जाते हैं। अभी पहले 10 रुपये एक किराया था, जो अभी 3 साल पहले जब इधर रहते थे, अभी कितना किराया पड़ता तो पता नहीं। ये रहा श्री मंदिर, श्री में पूरा मट्टी भरा हुआ है। पहले जो श्री था वो पत्थर के ऊपर से बना था, ये बोले तो ये कंक्रीट का बना है, पहले पत्थर का था लेकिन उस साइड में था। उधर तो अभी एक चढ़ना कहाँ से हो तो नहीं मिला, वो सीढ़ी शायद हटा दिया। अभी तो यहाँ से जाना पड़ता है, अभी यहाँ से पूरा स्लब स्लब है इसका, यहाँ इसका व्यू है। और भी आगे ऊपर गया तो और भी अच्छा व्यू रहता है, रहा इसका व्यू। पत्थर ऊपर गया तो पूरा सिटी का ही व्यू मिल जाएगा। ऐसे दर्शन शुरू होते तिलक लगा दिया, नारायण नारायण का तो काम ही कंप्लीट नहीं है। इधर अभी भी लकड़ी लगा हुआ है, आराम से आना भाई जवान। जितना ऊपर चलेंगे उतना ही व्यू अच्छा मिल जाएगा। क्या लोकेशन है भाई देखो, और भी इतना सीढ़ी चढ़ना भाई, जैसे कि इसका नज़ारा देख सकते हो।
मैं जब इधर रहता था भाई, तो अभी इधर कोई भी रास्ता तब नहीं बना था। अभी देख सकते हो उधर बस कितना छोटा लग रहा है इधर से, पूरा बाज अभी कितना ऊपर हूँ ये समझ सकते हो, कितना छोटा छोटा बस लग रहा है। ये जब इधर रहते थे तो अभी रोड नहीं बना था, इधर काम कुछ चल रहा था, पूरा राउंड मर के ऐसे घूम के आ गया ऐसा मंदिर के ऊपर आ गए और थोड़ा ऊपर है। चलिए इधर घूम लेता हूँ। इधर आने के बाद आपको हर तरह का खेलना बहुत कुछ मिल जाएगा इधर। ये दुकान है उस साइड में भी, उस साइड में ज़्यादा दुकान है। इधर पहले दुकान नहीं था, पहले पूरा दुकान उस साइड में था। हाय दोस्तों, फाइनली उत्तराखंड मंदिर का ऊपर आ गया। मंदिर का ऊपर नहीं, पहाड़ का ऊपर आ गया मंदिर का ऊपर। इस साइड में बोले तो टिकट है, दर्शन टिकट है, फिर लड्डू पुलिया का टिकट है, फिर इधर नारियल वगैरह मिल जाएगा। अभी अंदर घूमने के लिए नहीं जा सकते, इधर वीडियो अलग हो, घूमने के जा सकते लेकिन अलग नहीं है वीडियो बनाना। अभी इतना तक ये वीडियो समझ जाएगा, फिर मिलेंगे तीसरे वीडियो में। शायद किधर जाऊँ क्या पता नहीं, अभी तो नेक्स्ट प्लान नहीं है सर, किधर भी जाना चाहिए एक तो फिर किधर जाता हूँ। अभी अगर आप यादगिरिगुट्टा में आना चाहते हो, मंदिर दर्शन करना चाहते हो, हैदराबाद जुबली से आपको बस मिल जाएगा डायरेक्ट यादगिरिगुट्टा का। अभी आप तेलंगाना का स्टेट के अंदर जिला भी बड़ा बड़ा जैसा करीमनगर, फिर अरंगल, हमाकोंडा, किधर से भी आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगा। अगर ट्रेन से आना चाहते हो भुवनगिरी उतरना, भुवनगिरी से आप भुवनगिरी से सामने से भी बस मिल जाएगा। भुवनगिरी तक आना ट्रेन से, अभी किधर भी आए तो भुवनगिरी ट्रेन रुकता कुछ अभी है। यादगिरिगुट्टा का जो भी वो यादगिरिगुट्टा रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन रायगिरी से 3 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन। और भुवनगिरी बोले तो भुवनगिरी से आपको कभी भी वो बस मिल जाएगा, वही रेलवे स्टेशन तक आए तो कभी भी बस वो ही मिल जाएगा, ऑटो मिल जाएगा। लेकिन जो ये रहता है यादगिरिगुट्टा ये वहाँ से थोड़ा ये मिलना मुश्किल है, ऑटो मिलना मुश्किल है, थोड़ा पैदल आने के बाद मिलेगा आपको।